किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंहितः विसर्गः कर्मसंहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर देहे देहभृताम्बर स्पीकर को सीना कर और एकदम सीधा कर ठीक है तो सिद्धार्थ इसको सीधा ऐसे रख बस 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 अधिभूतं प्राणिजातं अधिकृत्य भवति इति कः असौ क्षरः क्षरति इति क्षरो विनाशी लगा ऑन है ये अधिकृत्य भवति इति कः असौ क्षरः आपको सुनाई दे रहा है यहाँ ठीक है हैं ठीक है अधिभूतं प्राणिजातं अधिकृत्य भवति इति कः असौ क्षरः क्षरति इति क्षरो विनाशी भावः यत् किञ्चित् जनिमत् वस्तु इत्यर्थः पुरुषः पूर्णम् अनेन सर्वम् इति पुरीशयनात् वा पुरुषः आदित्यान्तर्गतो हिरण्यगर्भः सर्वप्राणीकरणानाम् अनुग्राहकः स अधिदैवतम् अधियज्ञः सर्वयज्ञाभिमानिनी देवता
विष्णुमाख्या यज्ञो वै विष्णु इति श्रुते सहि विष्णु अहमेव अत्र अस्मिन् देहे यो यज्ञः तस्य अहम् अधियज्ञः यज्ञो हि देहनिर्वर्त्यत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो भवति देहभृतां वर सो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान दे चुके हैं। सबसे पहले ब्रह्म शब्द किसको बोलते हैं ये लक्षण किया, फिर अध्यात्म किसको कहते हैं ये कहा गया, फिर कर्म किसको बोलते हैं ये परिभाषा की गई। सो तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान दे चुके हैं, अब चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। इसको रहने दें। चौथा प्रश्न क्या है, अधिभूतम पूछा था अर्जुन ने कि अधिभूत किसको बोलते हैं। भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः, अधिभूत उस सत्ता का नाम है जो क्षरित होती है, जो परिवर्तनशील है, जो विकारी है, जो विनाशोन्मुख सत्ता है उसको बोलते हैं अधिभूत। प्राणिजातम अधिकृत्य भवति इति भाष्यकार बोलते हैं, तो प्राणियों को आश्रय करके, प्राणियों का आश्रय लेकर के जो चीजें रहती हैं उसको बोलते हैं अधिभूत। प्राणिजातम अधिकृत्य भवति इति कह सौ, वो क्या चीजें हैं तो बोलते हैं क्षरः, क्षरति इति क्षरो अर्थात विनाशी भावो। इसका क्या अभिप्राय हुआ, यत् किंचित् जनिमत् वस्तु इत्यर्थः। तो अधिभूत जो शब्द है वो उन सारी चीजों के लिए कहा जा रहा है जिनका जन्म हुआ है। यत् किंचित् जनिमत् वस्तु, जिनका भी जन्म हुआ है, जिनका प्रागभाव था, अर्थात जो प्रागभाव प्रतियोगिनी सत्ता है उसको बोलते हैं अधिभूत। प्रागभाव प्रतियोगिनी सत्ता, वह सत्ता जो प्रागभाव को मिटा करके होती है, ये इसी को बोलते हैं जनिमत सत्ता, जो सत्ता जन्म ले। हम देखें तो जब स्वभाव कहा गया, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, तो बेस कम करें है ही नहीं। ओके, तो ऐसी दशा में जो जो देह है उसमें जो आत्मभाव है वो अध्यात्म है, लेकिन देह का जन्म हुआ, देह प्राणी का आश्रय करके है, इसलिए अगर देह मात्र को देखा जाए तो वो अधिभूत श्रेणी में आवेगी, क्योंकि अधिभूत का जो लक्षण है वो वहां पर घट रहा है। अधिभूत का लक्षण क्या है, गीता में कहा क्षरो भाव, जिसमें क्षरण है, जिसमें विनाश है,
जो विनाशोन्मुखी है निश्चित रूप से वो अधिभूत है। तो यह लक्षण शरीर में पूरी तरह से खरा उतरता है। ये परिवर्तनशील भी है, क्षरित भी होती है और अंततः विनाश पर्यवसायी है, विनाश में तो समाप्त होती है। इसलिए शरीर को निश्चित रूप से अधिभूत कहा जा सकता है। अब इसमें शैली क्या आएगी? एक शैली है अधिकार शैली। अधिकार का अर्थ है कि किस शब्द का कहाँ तक अधिकार चलता है। पाणिनि व्याकरण में इस शैली का भरपूर प्रयोग हुआ। एक सूत्र है तो वह सूत्र अपना अधिकार देखता है, कहाँ तक उसका अधिकार है। उस शब्द में, एक सूत्र में तो कई शब्द आ सकते हैं, कई चीजें आ सकती हैं, लेकिन तो अधिकार जब चलेगा तो उसी में हिस्सेदारी हो जाती है। जैसे आप पढ़ते हो इको यणचि, तो यणचि माने अचि परे रहते। अब अच जो शब्द है ना वो अ से लेकर के च तक जाता है, तो अयुण रिलिक एवं एवं अयौच, ये माने सारे के सारे जो स्वर हैं वो अच कहलाते हैं। अब सारे अच को यण नहीं होता, यण कितने हैं? चार है ना, यव र ल बस, और सारे स्वर तो लंबा हो गया। तो इकह अचि परे यण भवति। अब आगे के जो सूत्र हैं उसमें अचि कामन रहेगा, अचि कामन रहेगा, अच परे रहेगा और पूर्व पद में बदल रहा है। जैसे अकह सवर्णे दीर्घ, तो अक जहां तक है सवर्ण प्राप्त होने पर वो दीर्घ होगा। इसका मतलब है कि अकह सवर्णे, सवर्ण माने क्या? अचि में से जो उसका सवर्ण है, तो इसको बोलेंगे अधिकार। आगे भी जैसे बोलेंगे एचो यवा यावह, तो एचह यव इत्यादि होता है। तो एचह तो बताया, पर पद नहीं बताया, ध्यान आया? एचो यवा यावह, एच बताया पूर्व पद में, एचह माने एच का, अय आय अव आव हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है वो नहीं बताया, वो अची वहां से ऊपर से चला रहा है। वृद्धि ही एची, तो सूत्र में एक पद बताया जा रहा है, मैंने पूर्व पद बताया जा रहा है तो पर पद नहीं बताते, पर पद बताते हैं तो पूर्व पद नहीं बताते। जैसे वृद्धि भवती कस्य, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो पर पद बताया, क्या? एची, एच परे रहते वृद्धि होती है। किसकी? तो एचो जो पहले से चला रहा है, एचो जो बजावा, उसमें से एच आएगा नीचे, इसको बोलेंगे अधिकार अनुवृत्ति। अच्छा, अब ये एच कहां तक जाएगा? जहां तक जाएगा वहां तक हम बोलते हैं उसको कि सूत्र का यहां तक अधिकार है। जहां उसका समाप्ति हो गई तो बोलेंगे कि अब इसका अधिकार समाप्त हो गया। ये तो एचो यवायावह में एच का उल्लेख हुआ, लेकिन वृद्धि रेची में उसका अधिकार बना। ठीक, आगे के सूत्रों में उसका अधिकार नहीं बनता तो पता चला कि वो अधिकार सीमित हो गया।
ये एक प्राचीन ऋषि शैली रही है, और वैसे जाने अनजाने में सीधे अथवा परोक्ष रूप से ये शैली चलती है, समाज में भी चलती रहती है, लेकिन उसका कुशलता के साथ, प्रबलता के साथ प्रयोग कर पाना ये थोड़ा ट्रेनिंग मांगता है, और ऋषि लोगों ने इस शैली का पूरा प्रयोग किया। जितनी भी हमारे सूत्र ग्रंथ हैं उसमें इस शैली का प्रयोग है, और आपको मालूम है कि जितने भी हमारे दर्शन हैं सबके मूल में एक सूत्र ग्रंथ है। ब्रह्म सूत्र हो, जैमिनी सूत्र हो, योग सूत्र हो, सांख्य सूत्र हो, न्याय सूत्र हो, गौतम सूत्र हो, पातंजल सूत्र हो, सभी दार्शनिकों ने जो मूल में जो ग्रंथ लिखा है वो है सूत्र ग्रंथ। ये तो सूत्रों में ये शैली होती है कि चूंकि भाषा सूत्रवत है तो वो अधिकार के अनुसार, अनुवृत्ति के अनुसार उसका अर्थ देखना पड़ता है। ये प्रकरण हमने क्यों उठाया, क्योंकि जब अधिभूत बात करते हैं आप तो पहले अध्यात्म शब्द आ चुका है, तो यह जो देह है उसकी गणना अध्यात्म में भी हुई, ठीक है, हुई कि नहीं। आत्मानम देहम आत्मानम अधिकृत्य लिखा ना, अध्यात्म शब्द की व्याख्या कैसे करी भाष्यकार ने, आत्मानम देहम अधिकृत्य। तो यहां जो देह है वो केवल अधिभूत नहीं रहा, देह की स्थिति विचित्र हो गई, देह की गणना अध्यात्म में भी की गई और देह की गणना अब फिर से अधिभूत में भी कर रहे हैं, क्योंकि अधिभूत का जो लक्षण है, अध्यात्म में तो स्वभाव लिखा, लेकिन अधिभूत का लक्षण तो इतना व्यापक लक्षण है कि जहां तक क्षरण हो रहा हो वो सब का सब अधिभूत है। गीता में तो यही परिभाषा की गई, अधिभूतः क्षरो भावः। अब देखो, इसीलिए अधिकार की जो कॉन्सेप्ट है पहले हमने उस तरफ आपका ध्यान खींचा, क्योंकि क्षरो भावः में अधिदेव भी आएगा, क्षरो भावः में कर्म और कर्म से उत्पन्न जो भूत हैं वो भी आएंगे। परमात्मा को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब क्षरो भाव में हैं। अगर इसी लक्षण को लेकर के विचार करेंगे तो अक्षर तो केवल ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम। अच्छा, ब्रह्मातिरिक्त फिर जो पांच चीजें गिनाई हैं वो सब तो अक्षर है नहीं, तो पांचों की पांचों क्या निकली, अक्षर। अक्षर तो चला गया ब्रह्म के साथ। अब अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव, कर्म है, ये सब की सब चीजें जो हैं वो गई किसके साथ, अक्षर के साथ, क्षरित होती हैं। इसलिए तो सबके लिए एक ही संज्ञा बननी चाहिए थी, एक तो ब्रह्म है और दूसरा अधिभूत है, लेकिन क्षर होते हुए भी सभी को अधिभूत नहीं कहते। देखो ये बारीकी आई, गीता जी में जब परिभाषा दी, यह क्षरति तत् अधिभूतम्। भाष्यकार ने कहा जितनी भी जायमान वस्तु है, जन्म लेती है, प्राग भाव प्रतियोगी है, वो सब की सब तो क्षर है, जनिमत वस्तु, यत् किंचित जनिमत वस्तु इत्यर्थः विनाशी भावः। जनिमत क्यों लिया, क्योंकि
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। विनाश का प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण यह है कि अगर कोई चीज ने जन्म लिया है, चाहे वो आकाश ही क्यों ना हो, हैं? अगर वायु ने जन्म लिया है तो उसको नष्ट होना है। जन्म ही मृत्यु का प्रमाण है। अगर यह सिद्ध हो जाए किसी तरह से कि इस वस्तु का जन्म हुआ है, तो बस समझो कि सिद्ध हो गया कि ये विनष्ट होगी, बात पूरी होगी। तो इसलिए परिभाषा जो भाष्यकार ने रखी वो यत् किंचित् जनिमत् वस्तु, ये अच्छा भाई। तो इसमें अधिकार का विभाग ये बनेगा कि देह को अध्यात्म कहते हैं जरूर, किस अंश में उसको अध्यात्म कहते हैं? जिस अंश में वो आत्मभाव से स्वीकृत है, जिस अंश में उसको हम मैं करके पुकारते हैं, मैं करके मानते हैं, उतने अंश में वो अध्यात्म है। लेकिन विनाश की प्रधानता से जब उसको देखते हैं, मैं की प्रधानता से नहीं, किसकी, विनाश की प्रधानता से जब उसको देखते हैं, विकार के परिवर्तन की प्रधानता से जब शरीर को देखते हैं, तो उसी शरीर को फिर बोलते हैं अधिभूत। हुआ? जहां पर मैं की संलग्नता छूटी, वहीं पर शरीर अधिभूत हो गया। तो मेरे ही शरीर का जब मैं विश्लेषण करता हूं और मुझे इस पक्ष पर ज्यादा विचार करना है कि विनाशी है, परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, शीर्यमाण है, जब ये पक्ष मेरे बुद्धि में होता है, उस समय यही शरीर अधिभूत कहलाएगा। लेकिन यह मैं हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका संचालक हूं, इसमें जो अच्छा बुरा होगा वो मुझे होगा, इसलिए मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए अपना। हाँ, उस समय जब ये अपना कहला रहा है, स्वभाव कहला रहा है, उस समय ये अध्यात्म हो गया। ये तो एक ही शरीर दो शब्दों का पात्र बन रहा है, अधिभूत और अध्यात्म। देखो, अहम की संलग्नता हटते ही शरीर अधिभूत हो गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दूसरे का शरीर। ये देखो, अपना तो सोचना पड़ेगा कि किस अंश में अधिभूत है और किस अंश में अध्यात्म। दूसरे का बोले, दूसरे का तो अधिभूत ही है। अरे, शरीर तो शरीर है, उसका मैकेनिज्म एक है, लेकिन दूसरे के शरीर को आप अधिभूत कहते हो, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। बोले नहीं, अधिभूत तो कहा ही जाएगा जब तक कि उसमें अहम की संलग्नता न बन जाए। तो अधिभूतम क्षरम, भाष्यकार जब शुरू करते हैं अधिभूत की व्याख्या, प्राणी जातम अधिकृत्य भवती। ये देखो, जड़ को नहीं कहा, सीधे ये नहीं कहा कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब की सब अधिभूत हैं, ये नहीं कहा। ऐसे साधारण अर्थ में तो यही लिया जाता है कि जो संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा है, ये सब का सब जो है वो अधिभूत है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा। चीज है जो प्राणी का आश्रय लेकर है, तो उसमें पहली गणना होगी शरीर की, और फिर घर की होगी,
क्योंकि प्राणी नाम अधिकृत्य ही है वो। दुनिया में जीव ही सारे प्रपंच का धारक है, ये सातवें अध्याय में भगवान बोल चुके हैं। यया इदम धार्यते जगत, तो जो निर्जीव साम्राज्य है वो निश्चित रूप से प्राणियों का आश्रय लेकर के ही है। तो फिर उसको अध्यात्म कहिए? बोले नहीं, अहम की संलग्नता जब नहीं होती तो उसको अध्यात्म नहीं कह सकते। क्षरण उसमें हो रहा है, अहम की संलग्नता है नहीं। ऐसी जितनी चीजें हैं वो सब की सब अधिभूत की परिधि में आती हैं। अर्जुन, ये हो गया अधिभूत। अब पुरुषश्चाधिदैवतम, अधिदैव कौन है? तो भगवान बोलते हैं जो पुरुष है उसी का नाम है अधिदैव। देखो, ब्रह्म को तो अक्षर कहा और पुरुष को अधिदैव कह रहे हैं। पुरुष कौन है भाई? भाष्यकार बोलते हैं जिसके द्वारा यह पूरा का पूरा जगत भरपूर है, माने पूरे जगत में जो ओतप्रोत है उसको बोलते हैं पुरुष। शरीर में भी जीव को पुरुष इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह जीव नख से सिख तक में व्याप्त है। कोई पुरुष ये नहीं बोल सकता, पुरुष माने जीव, हाँ, जीव ये नहीं बोल सकता कि शरीर के किस अवयव में मैं हूं और किस अवयव में नहीं हूं, ये नहीं बोल सकता। तो पूर्णत्वात् भरपूर है इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं। तो देह में जो भरपूर है तो उस भरपूरता के कारण, इस पूर्णता के कारण तो हम बोलते हैं देह वाले को भी पुरुष, चाहे वो व्यावहारिक धरातल पर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन सबको कहा जाएगा पुरुष। और सारी सृष्टि को जो मैं मानने वाला है, माने जिसका मैं, हाँ, जिसका मैं सारी सृष्टि में भरपूर है, जैसे यह मैं देह में भरपूर है, वैसे ही जिसको आप समष्टि में बोलते हो, है ना, वो पूरी सृष्टि में भरपूर है। जैसे मैं का यह शरीर है वैसे उस मैं का पूरी सृष्टि शरीर है। इसका मतलब हुआ कि जो हिरण्यगर्भ है उसको पुरुष बोलते हैं। समष्टि शरीराभिमानी। दैव क्यों कहा? क्योंकि वह चिन्मय है, चेतन है, चितिमत है, द्योतनात् देवः, दीप्तिमत्वात् देवः। ये एक पे चल रहा है हमारा, ऊपर वाला, इसको बंद कर दो, इधर से बीच वाला बंद कर दो, सीधे ब्रह्मरंध्र पर ही इनका प्रहार है तो वो नहीं चाहिए। पंखे वाला बंद करिए। इन तीनों का एक इकट्ठे तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, ये बंद हुआ कि नहीं? उसको ऑन कर दो, ऑन करो। ठीक है, रिमोट से देखो, ये कंट्रोल से देखो, ये ऑन होता है। ठीक है, हो गया। पुरुषश्चाधिदैवतम,
पुरुष को अधिदैव बोलते हैं। देखो अब इसकी परिभाषा क्या करते हैं, पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वमिति पुरीशयनात्वा पुरुषः आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भ। माने आदित्य उनका शरीर है, आदित्य अंतर्गत है, आदित्य उनका मुख है। शास्त्रों में इस तरह से समझाने के लिए बोलते हैं कि जैसे आपका एक मुख होता है वैसे तो हिरण्यगर्भ का भी मानो कि एक मुख है। कौन है वो? बोले वो सूर्यदेव जो आदित्य हैं, उन्हीं के अंतर्गत जैसे इस चेहरे के पीछे मैं रहता हूँ, उसी तरह से आदित्य रूपी चेहरे के पीछे मानो हिरण्यगर्भ रहते हैं। इसलिए उनकी ओर देख के प्रणाम करने का मतलब है प्रभु को प्रणाम करना, अथवा उनको जब हम जल तर्पण करते हैं तो वो प्रभु को पहुंचाते हैं। जल में पुष्प डाल करके अर्पण करते हैं तो पुष्पांजलि प्रभु को जाती है। तो ये है आदित्यांतर्गत हिरण्यगर्भ। उनका काम क्या है? उनका काम है सर्व प्राणी करणा नाम, ध्यान देना। जब हम शब्द बोलते हैं ना, समष्टि बुद्ध्याभिमानी, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, तो असल में वो अभिमानी हो या ना हो लेकिन वो अनुग्राहक जरूर हैं। ये अभिमानी तो दो दो नहीं हो सकते, जरा मुश्किल है सोचने में। भाई मेरी बुद्धि का अभिमानी मैं हूं और ये अनुभव में नहीं आता है कि मेरी ही बुद्धि का कोई और भी एक अभिमानी है। क्या अभिमानी माने होता है ओनर, और जब एक बार कोई स्वामी बना तो वो संचालक भी होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरी बुद्धि का अभिमानी है हिरण्यगर्भ है, तो मेरी बुद्धि से जो गलती होती है, हाँ भाई दो दो संचालक हैं तो एंसरेबिलिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड, तो जो गलती होती है वो हिरण्यगर्भ ने की और जो सही सोचा, हम भी तो अभिमानी हैं, तो जब जब सही सोचा हमने तो मैंने सोचा एवं न भवती। अभिमानी होना और अनुग्राहक होना दोनों में अंतर होता है। अनुग्राहक होने से ही जो चेतन है उसको हिरण्यगर्भ संज्ञा प्राप्त हुई। देखो यहां कैसा भाष्य आया, सर्व प्राणी नाम सर्व प्राणी करणा नाम अनुग्राहक। आपको हमने बोला था ये जब प्रसंग आया था, हाँ, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः। सूर्य देव को लोक चक्षु कहा गया, तो वो लोक चक्षु के अभिमानी होकर के नहीं है बल्कि लोक चक्षु के अनुग्राहक हैं। चूंकि वो अनुग्राहक हैं इसलिए उनको समष्टि नेत्र कहा गया। इसी तरह से समस्त प्राणियों के करण, शरीर नहीं बल्कि करण, प्राणी करणा नाम, सूक्ष्म शरीरों का जो अनुग्राहक जो है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। बुद्धि में शुभ्र विचार वहीं से आते हैं, बुद्धि में जो बुद्धि नव नवोन्मेषणी दिखाई देती है, अश्रुतपूर्व चिंतन करती है, ज्ञान के नवीनतम क्षेत्र में प्रवेश करती है,
ये नहीं कि सब ज्ञान किताब से ही आया है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा भी है कि बुद्धि में से ज्ञान किताब में गया है। तो ज्ञान का जो मूल स्रोत है, किताब में से जो आया हुआ ज्ञान है, वो तो एक तरह से अनुवचन है, वो ज्ञान कहलाएगा, ऐसा बोलना जरा कठिन है। क्या शब्द बोलेंगे हम? अनुवचन, अनुवाद। अनुवाद माने पहले किसी ने बोला है उसी को अब मैं फिर से बोल रहा हूं। पहले ये किसी का वचन था, अब मैं फिर से उसी का वचन कर रहा हूं, ये तो हुआ अनुवचन। इसमें स्मृति तत्व हो गया। ज्ञान तो तब होवे ना जब उसमें कुछ नावीन्य हो, कुछ ताजगी हो, कुछ। तो ऐसे ज्ञान का स्रोत क्या है, कहां से आता है वो? तो जहां से भी आता है उसका नाम रखा गया हिरण्यगर्भा। हर विचारक को ये अनुभव में आता है कि यह जो कॉन्सेप्ट है अथवा ये जो विचार है अथवा शब्द लोग बोलते हैं, ये जो आइडिया आई हमारे मन में, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं, ये पहले सुना नहीं था, हैं? सबको माने कम या ज्यादा सभी को ये चीजें आती हैं। तो ये आई है अभी से, अब चूंकि मेरी बुद्धि में आई है और मेरी वाणी से लोगों को सुनने को मिलेगा, इसलिए आदमी कहता है कि मेरी आइडिया है, आदमी को कहना पड़ता है कि ये मेरा विचार है। लेकिन अगर वो ईमानदार है तो ये जानता है कि इस विचार को उसने कमाया नहीं है, ये विचार उसको प्राप्त हुआ है। He has just received it. From where? हाँ। तो जो ज्ञान का परम स्रोत है, आकर है, आकर माने खान, हाँ। जहां से रत्न निकलते हैं, तो हिरण्य माने सोना, तो जो हिरण्यों का गर्भ है उसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ, हिरण्यानाम गर्भ। ये सोने की जो खान है ना, सोना यहां विचार को बोलते हैं, विचार रत्न। ज्ञान रत्न, विचार रत्नों की जो खान है, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक निर्मल हृदय लेकर के जब हम प्रभु के सामने किसी प्रश्न के संदर्भ में प्रस्तुत होते हैं, मानो आंचल फैला करके, तो उस हिरण्यगर्भ से कुछ विचार रत्न टपक जाते हैं, तो व्यक्ति का प्रश्न तो हल हो जाता है। यह और वो धन्य होता है। ऐसे ही लोगों के विचारों में, चिंतन में, सच में देखा जाए तो एक ज्ञान जैसा कुछ होता है, नहीं तो अनुवचन होता है, नहीं तो अनुवाद होता है। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि उपासना, भक्ति, श्रद्धा, हृदय की निर्मलता, ये विद्वत्ता में सबसे बड़ा हेतु है। ये कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं है, ये अध्यात्म की पढ़ाई है। इवन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में भी अगर उपासना भक्ति होवे, श्रद्धा हो, चित्त थोड़ा रोगों से मुक्त हो, तो लौकिक विद्या का भी आकर तो हिरण्यगर्भ ही है।
ये बुद्धि प्रबल हो जाए तो मन बुद्धि के अनुकूल हो जाए और मन के अनुकूल इंद्रियां हो जाए। इंद्रियां माने इंद्रियों का व्यवहार। ये कोई आंख जो है अपना गोलक छोड़ के भागती नहीं है। आंख को नियंत्रित करने का मतलब है नेत्र व्यवहार बुद्ध्यानुसारी हो। इस तरह से तो करणा नाम अनुग्राहक तो विवेक है। अगर सावधानी से देखें तो मेरे करणों का जो असली अनुग्राहक है सीधे सीधे वो तो है विवेक। लेकिन विवेक का अनुग्राहक हैं हिरण्यगर्भ। सभी के विवेकों का जो अनुग्राहक है वो है हिरण्यगर्भ। तो उसको क्या बोलेंगे? बोले उसको अधिदैव बोलते हैं। कहां रहता है वो? बोले कहां रहता है ये ना पूछो, सारी सृष्टि उसी में रहती है। सारी सृष्टि में वो भरपूर है, पूर्ण है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। चितिमत है, चेतनावान है, इसलिए उसको दैव बोलते हैं। हिरण्यों का गर्भ है, इसलिए उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम, मूल में जो अधिदैव सत्ता है वो यही है महाराज। अच्छा भाई, तो ये तो हिरण्यगर्भ हो गए। और अधियज्ञ कौन है? बोले समष्टि शरीर में जो चेतन निवास करता है करणों का अनुग्राहक होकर के, तो करणों की अनुग्राहकता के संदर्भ में शब्दों को सावधानी से देखना। करणों के अनुग्राहकता के संदर्भ में, समष्टि शरीर के संदर्भ में, समष्टि के संदर्भ में चेतन को हिरण्यगर्भ कहते हैं, ठीक। लेकिन व्यष्टि, अब सावधानी से देखना, व्यष्टि करणों के प्रवृत्ति का जो अनुग्राहक है केवल व्यष्टि मात्र का, उसको अधियज्ञ कहते हैं। अधियज्ञ कहते हैं। देखो कैसे बोलते हैं भाष्यकार, अधियज्ञ। अधियज्ञ माने अधियज्ञ अहम एव अत्र, गीता में देखें भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अत्र देहे, हिरण्यगर्भ कहाँ है? समष्टि देहे। अब भगवान कहते हैं मैं ही अधियज्ञ कहलाता हूं जब मैं इसी देह में देखा जाता हूं, केवल एक देह में। अत्र देहे, इसी देह में अहम एव, मैं ही अधियज्ञ कहलाता हूं। अधियज्ञ कोई दूसरा नहीं है। बोले तो आप ही हिरण्यगर्भ हो और आप ही अधियज्ञ हो, ये क्या मसला हुआ? बोले समष्टि संदर्भ में मेरा नाम अधिदैव है, व्यष्टि देह संदर्भ में मेरा नाम अधियज्ञ है। ध्यान रखना, व्यष्टि देह और करण के अनुग्राहक के संदर्भ में, अभिमानी नहीं। क्यों? अगर अभिमानी बोलोगे तो अध्यात्म हो जाएगा। अध्यात्म का लक्षण क्या था? तस्य एव प्रत्यगात्मतया, उसी ब्रह्म का जो प्रत्यगात्मतया भाव स्वभाव कहा था ना। तो जब अध्यात्म कहोगे व्यष्टि देह में
कहाँ से लेके, देहम आत्मानम अधिकृत्य ब्रह्मावसाना, तो अध्यात्म भी आप ही हुए फिर, बोले यस, और कौन है। और फिर अधियज्ञ, बोले वो भी मैं ही हूं। बोले दोनों व्यष्टि संदर्भ में है, हाँ दोनों संदर्भ में है, व्यष्टि संदर्भ में ही दोनों है। अत्र देह अहम, और साथ में लगाया एव, अहम एव अत्र व्यष्टि देहे अधियज्ञ। तो फिर अध्यात्म में भी आप ही थे, सैव तस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्म भावः स्वभावः। पकड़ में आता है ना, ये दोनों एक ही बात हो रही है? नहीं, दोनों एक बात नहीं हो रही है। वहां है देह में, प्राण में, इंद्रियों में आत्मबुद्धि माने अभिमान, और यहां है अनुग्राहकता, ये फर्क है। व्यष्टि देह और व्यष्टि करणों का जो अनुग्राहक होकर के चेतन है, उसकी अनुग्राहकता के संदर्भ में जब उसको देखते हैं तो उसका नाम पड़ता है अधियज्ञ। अब भाष्य देखो, इसको समझने के बाद थोड़ा क्या बोलते हैं पारिभाषिक सा हो गया है, तो उसको पहले थोड़ा समझ के फिर इसमें आए। बोलते हैं सर्वयज्ञाभिमानिनी देवता विष्णुवाख्या, सारे यज्ञों का जो अभिमानी देवता है जिसका नाम विष्णु है वही अधियज्ञ है, यज्ञों वही विष्णु इति श्रुते है। बोले महाराज तो अधियज्ञ माने विष्णु, तो अत्र देह क्यों लिखा? तो अब बोलते हैं स ही विष्णु हो, अब देखना व्याख्या, स ही विष्णु हो अहम एव, वो विष्णु मैं ही हूं और कोई नहीं है, स ही विष्णु हूं अहम एव अत्र, अत्र माने अस्मिन देहे यो यज्ञ, अस्मिन देहे व्यष्टि देह आ गया, यो सॉरी अस्मिन देहे यो यज्ञ, इस देह में जो यज्ञ होता है उस यज्ञ का मैं अधियज्ञ हूं। ये देखो भाषा, देखो यो यज्ञ तस्य, तस्य माने तस्य यज्ञस्य, उस यज्ञ का मैं अधियज्ञ हूं, उस यज्ञ का मैं आधार हूं, उस यज्ञ का मैं है? अनुग्राहक हूं। हाँ ये शब्द आना चाहिए। व्याख्या देखो कैसे बोलते हैं, यज्ञों ही, एक कामा को ध्यान में रखना, यज्ञ की परिभाषा कर रहे हैं, यज्ञों ही देह निर्वर्त्यत्वेन देह समवायी थी। यज्ञ क्या चीज है? बोले देह से ही संपादित होती है, यज्ञ देह के द्वारा ही संपन्न होता है, इसलिए यज्ञ क्या है? बोले देह समवायी है, देह समवायी माने अयुत सिद्ध संबंध हुआ, माने देह के साथ ही यज्ञ की सिद्धि होती है, अर्थात देह के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं होती है। समवाय संबंध आपने पढ़ा है, अयुत क्या बोलते हैं? अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध संबंध, अयुत सिद्ध संबंध माने एक के बिना, हाँ एक की सत्ता का सहारा लिए बिना जो नहीं रह सकता। उस समय संस्कृत में मैंने लिखवाया था कुछ, ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसा नहीं, एक
के बिना जो दूसरा नहीं रह सकता उसको बोलते हैं ये समवाय संबंधी है। जैसे घट देह मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, तो घट का समवायी कारण बना मिट्टी। ये तो अब यज्ञ में घटाओ, यज्ञ क्या है? बोले देह के बिना नहीं हो सकता, इसलिए यज्ञ देह समवायी हुआ। देह संबंध से ही उसकी सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तो इसलिए जब भगवान का नाम अधियज्ञ पड़ेगा तो यज्ञ के संदर्भ में ही पड़ेगा, और यज्ञ कहाँ है? देह में। तो बोलते हैं अत्र अस्मिन् देहे अहम् अधियज्ञः। कैसे? यज्ञ का अनुग्राहक होने के कारण। देखो निगमन पकड़ लो, इसके बाद चिंतन कर लेना। देह समवायी इति देहाधिकरणः भवति। यज्ञ कैसा है? देह अधिकरण वाला है, देह के अधिकरण में ही यज्ञ सिद्ध होता है, और उस यज्ञ को अनुग्रहित करने वाला जो चेतन है उसका नाम पड़ता है अधियज्ञ। सो यज्ञ शब्द का अर्थ आप सारे कर्म ले लेना। तो व्यष्टि देह में होने वाले समस्त यज्ञों को अर्थात कर्मों को अनुग्रहित करने वाला जो चेतन है उसको अधियज्ञ कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में बोले तो चेतन वस्तु को ही तब अधियज्ञ नाम से पुकारा जाता है जब उसको हम व्यष्टि देह और व्यष्टि देह में होने वाले यज्ञों के संदर्भ में देखते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पुत्र के संदर्भ में देखने से मनुष्य को पिता कहा जाता है, ठीक, और पिता के संदर्भ में देखने से उसी मनुष्य को पुत्र कह दिया जाता है। तो मनुष्य की दो संज्ञाएं हो गई, मनुष्य एक ही है, मनुष्य की दो संज्ञाएं हो गई, तीन हो जाएंगी, पांच हो जाएंगी, सौ हो जाएंगी, अगर सौ संदर्भ होगा तो। इसी तरह से एक ही चेतन को ब्रह्म कहा गया जब कोई संदर्भ नहीं था, फिर अध्यात्म कहा गया, तस्यैव ब्रह्मणस्य प्रत्यगात्म भावः तस्यैव ब्रह्मणस्य, कोई और को नहीं, तो उसी ब्रह्म की संज्ञा हुई अध्यात्म। देखो फिर उसी ब्रह्म की संज्ञा हुई अधिभूत, ठीक है, उसी ब्रह्म की संज्ञा हुई अधिदैव, उसी ब्रह्म की संज्ञा हो रही है अधियज्ञ। तो सातवें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या? साधियज्ञ साधिभूतम साधिदैवम, लेकिन है कौन वो? माम ते विदुः, ते माम विदुः, वो उन्होंने मुझे जाना, मैं कैसा हूं? मैं ही अधियज्ञ हूं, मैं ही अधिभूत हूं, मैं ही अधिदैव हूं, मैं ही अध्यात्म हूं। ये चारों चीजें अलग अलग है नहीं, मैं ही
भिन्न भिन्न संदर्भों में इन चार नामों से जाना जाता हूं और ज्ञानी पुरुष इन चारों नामों का मतलब मैं के रूप में जानता है। उसको मालूम है कि ये किसी और का नाम नहीं है, मेरा ही नाम है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को जानते हैं और उसके संदर्भों को भी जानते हैं, संदर्भों को भी जानते हैं, तो कोई कहे यदि कि पिताजी को बुला लाओ तो हमें मालूम है कि किसको बुलाने को बोल रहा है। कोई कहे कि बेटे को बुला लाओ तो भी उसको मालूम है कि ये किसको बुलाने के लिए कह रहा है। कोई कहे कमिश्नर साहब से मिलाओ, आदमी वही है, तो हमको मालूम है। अगर मुझे सारे संदर्भ मालूम है तो मुझे मालूम है कि ये उसी के लिए कह रहा है। बोले संज्ञाएं तो बदल रही हैं। बोले संज्ञाएं बदलने दीजिए, लेकिन जिसकी ये संज्ञाएं हैं मैं उसको भी जानता हूं और उसके सारे संदर्भों को भी जानता हूं। इसका मतलब ये हुआ ना कि दो चीज जानने की हो गई, एक तो वो वस्तु, दूसरे संदर्भ। तो ज्ञानी होने के लिए भगवान ने क्या कहा, ते माम विदुह, माने क्या, माम अकेले नहीं, साधि यज्ञम माम विदुह, साधि दैवम माम विदुह। ऐसा तो न हो ना कि माम तो विदुह लेकिन जहां आदिदैव का संदर्भ आया वहां हम खत्म हो गए, अथवा अधियज्ञ का संदर्भ आया तो वहां खत्म हो गए, अधिभूत का संदर्भ आया तो लगा कि ये तो कोई और चीज है। हाँ 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 हाँ, एक ही परमात्म वस्तु के चतुर्विध संदर्भ हो सकते हैं, अधिभूत भी हो सकता है, हैं? करणा नाम अनुग्राहक होने से अधिदैव भी हो सकता है। अधिभूत माने केवल देह सत्ता और देह से संबंधी सत्ता, वो भी हो सकता है। अध्यात्म हो सकता है और अधियज्ञ हो सकता है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि अध्यात्म और अधियज्ञ बहुत निकट आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही चीज को अध्यात्म कहा जा रहा है और उसी चीज को अधियज्ञ कहा जा रहा है, क्योंकि अस्मिन देहे अधियज्ञ और अस्मिन देहे अध्यात्म, लेकिन उसमें भेद यही समझना, एक अनुग्राहक सत्ता है और एक अभिमानी सत्ता है। अभिमान के संदर्भ में वो अध्यात्म है, अनुग्रह के संदर्भ में वो अधियज्ञ है, और समष्टि संदर्भ में अनुग्रह का संदर्भ लगाएं तो अधिदैव है। और समष्टि संदर्भ में जितनी भी क्षीयमाण वस्तुएं हैं उन सभी को अधिभूत कहते हैं। हो गया, तो ये सातवें अध्याय का ये अवशिष्ट है, परिशिष्ट है। देख लें, सातवें अध्याय में भगवान ने आखिरी में कहा ते ब्रह्म तद विदुह, 29वें श्लोक में दो शब्द आए, ते ब्रह्म तद विदुह कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। फिर बोलते हैं साधिभूत माम विदु, माम विदुह माने ज्ञान का जो विषय है वो मैं हूं, लेकिन मैं कैसा, साधिभूत और स फिर से आएगा, साधि दैव और फिर आया साधि यज्ञ। ये ते विदुह, ऐसा जो जानता है माने मुझे समग्र जो जानता है, संदर्भ शून्य जान लिया
अगर ऐसा जान लिया तो गीता जी का कहना है कि इवन देन वो ज्ञान पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि संदर्भ जब खड़े होंगे तो पता चलेगा कि मैं गड़बड़ हो गया। एक आदमी को मैं ठीक से पहचानता हूं ये तभी माना जाएगा जब हम उसको संदर्भों के दायरे में भी जाने और उनके बिना भी जाने। यही है ये सनातन धर्म, संदर्भ सापेक्ष ब्रह्म, संदर्भ निरपेक्ष ब्रह्म, दोनों का शुद्ध शुद्ध निर्मल ज्ञान होना चाहिए। सो यहां पर तो इन प्रश्नों का उत्तर हो गया, तीन प्रश्नों का कल उत्तर हो गया था और तीन प्रश्नों का अब हो गया। अब बचता है सातवां प्रश्न, जिसमें दो प्रश्न थे। सातवां प्रश्न है प्रयाण काले, प्रयाण काल में भी वो ज्ञानी बना रहता है प्रभु, इस बारे में बताएं। ये अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रयाण काले पी कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी। हाँ, छठे अध्याय में था दो प्रश्न, छठे प्रश्न में दो प्रश्न बचा था, अधियज्ञ कथम को अत्र, वो तो हो गया कथम, क्योंकि वो अनुग्राहक है व्यष्टिकरणों का, और को अत्र कौन है वो, बोले अहम एव, अधियज्ञ कौन है, मैं हूं, मैं ही व्यष्टिकरणों के अनुग्राहक के रूप में अधियज्ञ कहलाता हूं। को माने अहम, कथम माने यज्ञ के अनुग्राहक के रूप में, हो गया। अब आठवां प्रश्न आया, अर्जुन ने पूछा था प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी, जिनको बहुत संयम सिद्ध है उन लोगों के द्वारा अंतिम समय में भी आप कैसे जाने जाते हो। भगवान उत्तर देते हैं, अंतकाले च माम, मैंने कहा था युक्त चेतस अर्जुन, तुमने कहा नियतात्म भी, वो नियतात्म भी ही और युक्त चेतस का मतलब समझो। उसका मतलब है जीवन भर उसने प्रभु के स्मरण में, उनकी ओर उन्मुखता में, उनमें आश्रय भाव रख करके उन्हीं के साथ जीवन बिताया, उन्हीं को वो सुनता है, उन्हीं को बोलता है, उन्हीं के लिए वो करता है और उन्हीं में वो रस लेता है। ये भागवत जी में चार पांच चीजें कही गई। किम स्रोतव्यम, अथ जप्यम, ऐसे करके आता है। उत्तर जब देना शुरू किया सुखदेव जी ने तो कहा तस्मात, हाँ तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् छता भयम्। तीन बात कही। हाँ, ये है नियत आत्मा। बहिरंग साधना बहुत अच्छी चीज है। वो क्या है, बोले आपके बगीचे की बाउंड्री है तो उसमें पशु वशु नहीं आते, अगर बहिरंग साधना ठीक रहे तो। लेकिन बाउंड्री के भीतर झाड़ झंखाड़ भी पैदा हो सकती है। कई लोग जो हैं दिनचर्या के प्रति बहुत आग्रही हो जाते हैं और इसका अभिमान भी हो जाता है,
अस्मिता क्लेश हो जाता है। पता चला कि चित्त में उनके कोमलता नहीं रही, निष्ठुरता है और शायद अस्मिता क्लेश भी है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। क्या मतलब है? बहिरंग साधना प्रबल है और भीतर क्या लगा रखा है? बहिरंग साधना बगीचा नहीं है, बहिरंग साधना बाउंड्री है, चहार दीवारी है, परकोटा है। सुंदरता तब हो जब भीतर हमारे चित्त में खूबसूरती हो, भाव सौंदर्य हो, विचार सौंदर्य हो, स्वभाव सौंदर्य हो। साधना का असली जो रस है वो तो यही है। दिनचर्या पूरी करना अपने आप में पूरी बात नहीं होती। हम सबका अनुभव है, किसी किसी की दिनचर्या बहुत चुस्त होती है लेकिन उसके पास बैठा नहीं जा सकता। ये देखो अब ये क्या कमी रह गई, ये क्या कमी रह गई, कुछ तो बात होगी ना। और संभव है किसी, हालांकि वो उसका मैं बहुत आदर नहीं कर पाऊंगा कि जिसकी दिनचर्या बिल्कुल ही शिथिल हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि देखने में किसी की दिनचर्या इतनी चुस्त नहीं है, फिर भी उसके चित्त में कुछ सौंदर्य है, कुछ विचार भाव में ऐसा स्निग्धता है कि उसके पास बैठने में सुख मिलता है। ये देखो तो इसका मतलब है बगीचा तो ठीक है, बाउंड्री चाहिए, नहीं तो बीच बीच में कोई कोई पशु आते हैं और बिगाड़ जाते हैं। बाउंड्री तो जस्ट इज अ फेंसिंग टू स्टॉप द वाइल्ड एनिमल्स। इसी को कभी कहा गया बिल पीटने से सांप नहीं मरता। तो बगीचा क्या है? वो है प्रभु के साथ जीना। कौन से? सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्यः, फिर कीर्ति तव्यः, और जो हमारा मानस है उसमें कौन रहे? भगवान रहे। स्मर्तव्यश्चेत इच्छता अभयम्, स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। तो ऐसा जब जीवन बनने लग जाता है धीरे धीरे कि उनको सुना जाए, उनको कहा जाए, और हमारे मानस में भी जो अकेले होने पर जो हमारा मानस व्यवहार हो रहा हो हैं, उसमें भी प्रभु आने लग जाएं, हैं रहने लग जाएं, तब जब ऐसा जीवन होता है तो उस आदमी का नाम पड़ता है युक्त चेतसा, तब उसका नाम पड़ता है नियतात्म भी। तब वो क्या करता है? बोले अंतकाले च, ऐसे लोगों के जीवन में ये घटना बन जाती है, अंतकाले च माम एव, एव शब्द लिखा, उसकी ऐसी वृत्ति प्रगाढ़ होती है कि फिर वो दूसरे को उस समय याद नहीं करता, है ना। कभी महात्मा लोग जोक सुनाते हैं, तो मरणासन्न व्यक्ति जो है, सेठ जी थे और वो उनकी वाणी बंद हो गई और वो बार बार व्याकुल हो रहे थे, बच्चों को लगा कि कहीं धन गड़ा है, और वो बताए बिना मुंह बंद हो गया तो इसलिए जो है पिताजी व्याकुल हो रहे हैं। तो उन्होंने महंगा इंजेक्शन लगवाया कि थोड़ी देर के लिए किसी तरह से जो है ये चालू करवाइए। तो उनको जब होश आया बोलने लगे तो पूछा पिताजी क्या बता रहे थे?
बोले तुम तीनों यहीं खड़े थे, वो झाड़ू खा रही थी गाय। तो माम एव नहीं, झाड़ू एव, ये वृत्ति में नुकसान हो रहा है। तुम लोग इनसिंसियर। गुरु जी ने ये जोक सुनाया था कि तीनों लड़कों से पूछा, राकेश कहाँ है? बोले हाँ पिताजी यही हूँ। दिनेश यही हूँ। उमेश बोले मैं यही हूँ पिताजी। बोले तुम तीनों यही हो तो दुकान पे कौन है? बिल्कुल मरणासन्न हो रहे हैं। माम एव स्मरण, दुकान एव स्मरण। अने आदमी के चित्त में जो प्राथमिकता है, जहां पे उसकी महत्व बुद्धि है, जहां पे उसकी आश्रय बुद्धि है, और जिसका उसने स्मरण करने का अभ्यास किया, तो वो वही आएगा। तो जब यहां एव शब्द लगाते हैं और माम शब्द लगाते हैं, तो उस व्यक्ति का जो पूर्व जीवन है ना, वो सामने आ गया कि नहीं? अंतकाल में उसने ऐसा स्मरण किया। अंतकाले च माम एव स्मरण, स्मरण शत्रु प्रत्यय लगाया, स्मरण करते हुए पितामह भीष्म की तरह कोई मरे। लाओ ये बढ़िया हो गया। भगवान खुद ही हस्तिनापुर से चले हैं अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। तेषाम अहम समुद्धरता, सामने जाके खड़े हुए। पितामह भीष्म ने कहा, मेरी बुद्धि को मैंने समर्पित कर्म करते हुए परिमार्जित किया है, इसको शुद्ध किया है, इसका श्रृंगार किया है। अब इसके वर के रूप में केवल आप ही हो सकते हो, तो मैं अपनी बुद्धि का आपको दान करता हूं। लो कन्यादान की तरह। इति मति मति ही उपकल्पिताते, ऐसे श्लोक आता है। और बोले कि खड़े रहना आप सामने, और उपदेश जब पूरा कर लिया ना युधिष्ठिर को, तब बोले अब चुप रहना आप लोग, और वहां पढ़ना प्रसंग। भगवान में एकदम एकाग्र करके बुद्धि फिर शरीर छोड़ दिया। इसको बोलते हैं मुक्त्वा कलेवरम। ऐसा बहुत लोगों ने किया, यही लोग हैं नियतात्म भी, यही लोग हैं युक्त चेतस। इसी लाइन का उत्तर है यह पूरा आठवां अध्याय प्रधान रूप से। क्या बोलते हैं? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति। जो देह छोड़ करके चलता है, बोले वो कहाँ पहुंचता है, उसकी गति क्या है? बोले उसकी गति मैं हूं और कौन है। यह प्रयाति स मदभावम याति, याति माने गच्छति, आयाति आगच्छति। वो मेरे भाव को प्राप्त होता है अर्जुन। और बोले इस विषय में भूल करके भी, लेश मात्र भी संशय मत करना। नास्ति अत्र संशय। ये है ये सिद्धांत है। बोले वैसे तो नियम ये है
कि अंत काल में जिसका जो स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यम यम भावम यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। रूल ये है, जिस जिस भाव का जो जो स्मरण करके शरीर छोड़ता है, कलेवरम त्यजन, तम तम एव एति, उसी उसी भाव को वो जीव प्राप्त कर लेता है। तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, क्योंकि जीव तद्भावना से भावित हो करके, महाराज जी कभी ऐसे बोलते थे कि कोई चुंबक हो, चुंबक हो और बड़ा ही शक्तिशाली चुंबक हो, मानो चुंबक का शरीर कैसा हो, देव रूप में हो, तो बालू लोहे के बुरादे में अगर रख दिया जाए उसको, तो वो लोहे का बुरादा कौन सा आकार धारण करेगा, देव आकार धारण करेगा। पशु आकार हो तो बोले महाभूत कोई देवता और मनुष्य थोड़ो होते हैं, महाभूत तो वो बुरादे की जगह पर हैं। जो चुंबकत्व है वो आपका हमारा सृजित भाव है, सदा तद्भाव भाविता। जो हमने अपने साथ भावना का संश्लेष किया हुआ है, उसी भावानुसार पंचभूतों में परिणमन होकर के आकार की प्राप्ति अथवा लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है। तम यम, यम स्मरण, तम एति, बस ये रूल है। तो अब जिसका स्मरण, जड़ भरत ने हिरण का स्मरण किया, हिरण ही हो गया, तो ये है। तो इसी नियम से जो भगवान का स्मरण करता है वो तो भगवान के भाव को प्राप्त कर लेता है। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो।